आ गया गार्डन और मस्त यहाँ पे पब्लिक वगैरह है, क्योंकि यार दिवाली का सीजन वगैरह चल रहा है ना। तो ये गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगी और बढ़िया रहना। सो दोस्तों, आज की रिपेयर हो रही है मुंबई से। मैं कल जस्ट मुंबई आया था और अभी जस्ट मैं मासी के घर पर आया हूँ, तो सोचा कि यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते थे, क्योंकि ट्रैवलिंग का तो मैंने बनाया नहीं था। और बज रहे अभी दोपहर के 4:30 और मैं जा रहा हूँ आज मूवी देखने के लिए। तो फ्रेश होऊंगा और मस्त मासी वगैरह के साथ जाऊंगा मूवी देखने के लिए। टाइगर 3 आ रही है ना, सलमान सर की टाइगर 3 आ रही है, तो वो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। तो कोई ना, चलो फ्रेश हो जाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ से पहले मैं मासी के घर से जाऊँगा नाना हाउस, नाना के घर पे जाऊँगा मामा के पास, और फिर वहाँ पे फ्रेश होऊंगा, फिर वहाँ से जाऊँगा मैं मूवी देखने के लिए। तो कोई ना, चलो चलते हैं। तो गाइस, फाइनली हमारा जो है टाइम हो चुका है मूवी जाने का। थोड़ा बहुत लेट हो चुका है मेरे लिए, बट कोई ना, चलो चलते फटाक से, क्योंकि ना मासी और इन लोग जो है नीचे आ चुके हैं और मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि लेट हो चुका है। जाना था 6:45, अभी बज रहे 6:05। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और भीड़, आज दिवाली है ना, तो दिवाली की भीड़ बहुत हो रखी है। और बाकी आप क्राउड वगैरह देख सकते हो, मैं आपको ना क्राउड वगैरह दिखाता हूँ। तो ये कुछ क्राउड वगैरह जो कि यहाँ पे मूवीज देखने के लिए आया हुआ है, बट कोई ना, चलो चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपको सीधा अंदर। तो गाइस, फाइनली हम आदि के ऊपर और इतनी भीड़ इतनी थी यार कि नहीं कर पाए, बट कोई ना, चलते रहता है। तो चलिए कोई ना, चलते मूवीज देखने के लिए और साथ ही साथ इंजॉय करते हैं, क्योंकि ना गुजरात जाने में भी 3-4 दिन का टाइम हो रहा है हमारे पास। कोई ना, चलते रहता है। तो चलो चलते और मस्त मूवी देखते हैं। तो गाइस, पिक्चर ख़त्म, और पिक्चर ख़त्म करने के बाद हम आ गए बाहर सीधा, क्योंकि आधा पिक्चर भी इतनी मस्त थी यार। जिस तरीके से मतलब जो एक्शन वगैरह, फाइटिंग वगैरह सब कुछ जो है वो एकदम मस्त थी। और मैंने जो फर्स्ट टाइम ये इधर, ठीक है, बॉलीवुड मूवी मैंने बहुत टाइमों के बाद यहाँ पे देखा है। तो यार मज़ा तो बहुत आ गया और थकान भी उतनी लग गई है। अभी रात में ना असद भाई का भी फ़ोन आ रहा था कि भाई आपको ना मतलब आना है हमारे साथ कहीं घूमने के लिए, और असद भाई का उन लोग का भी फ़ोन आया था, बट देखते भी कि कब तक जाते हैं उनके साथ। और आज दिवाली है यार, तो आपको भी हैप्पी दिवाली। और बाकी आप देख सकते हो कि ये सारा कुछ यहाँ पे जो है लगा हुआ है आज, है ना, दिवाली। तो कोई ना, चलो चलते हैं घर, मिलते हैं आपको सीधा घर पे। हम लोग जो घर पे आ गए थे, अभी बजे रात के 9:30, अभी जस्ट मूवी खत्म हुई, और मूवी खत्म होने के बाद हम आए थे घर पे। और मूवी यार देखने जैसी यार, आप जाके मूवी वगैरह देखो यार, बहुत मस्त मूवी थी, एकदम फैंटास्टिक मूवी थी। और अब आज दिवाली है, लेकिन ये व्लॉग तो आपको कल मिलेगा, बट कोई ना, मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली भाई। मुझे ना यार अभी खाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं सोच रहा था कि यार ऐसे बैठा हूँ तो अपने ब्लॉग वगैरह चेक कर लेता हूँ किस तरीके से बनते हैं, क्या बनते हैं, क्योंकि ना मैं एडिट करके एक्सपोर्ट करके सीधा ना अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने ब्लॉग चल रहे सामने टीवी में, और अभी जस्ट मैं सोचा कि यार एक बार मैं देख लूँ यार टीवी में भी किस तरीके से फीलिंग आती है। हालांकि यार मैंने ली हुई है, लेकिन वापस है ना यार थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ा वो था, तो मैं सोचा कि चलो एक बार जो है टीवी में भी चेकआउट कर ले। मतलब अचानक से ना मैं जो है भाई का फ़ोन आया था कल रात में कि आप जो है आए हो तो मीरा रोड आके आ जाओ, मतलब आप मीरा रोड आ जाओ, है ना। तो मैं सोचा कि चलो यार क्यों ना, इधर तो कुछ है नहीं अभी, क्योंकि जो सारे दोस्त हमारे वो चले गए थे अपना यूपी, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं जा रहा हूँ। टिकट वगैरह हमारे हो चुके हैं,
कंप्लीट पूरा, और आगे से रेलवे पे अभी जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने के बाद हमें वहाँ से जो है मीरा वेंजर या तो मैं विनर वाली जो है फास्ट फ्रेंडली की वही ट्रेन हमें जो है पकड़नी है, उसके बाद जाके हम पहुँचेंगे। और इन लोगों ने मैंने बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों को मैं बताया नहीं हूँ कि मैं आ रहा हूँ या तो फिर क्या है क्या नहीं, बट कोई ना, अभी इन लोगों को सरप्राइज देना है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए मीरा रोड, और भाई हमारे जो लेने के लिए आ रहे हैं, बट कोई ना किधर है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। और यहाँ पे फोटोशूट वगैरह भी चल रही है, बाकी कोई ना मीरा रोड वगैरह आ चुके हैं, आप बोर्ड वगैरह भी देख सकते हो मीरा रोड का, यहाँ पे जो है बोर्ड वगैरह है, और कुछ भाई हमारे जो यहाँ पे फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, और बाकी इन लोग को हमें जो सरप्राइज देना है, बट कोई ना हमारे भाई जो है दिख नहीं रहे, देखते कहाँ पे वो। और वापस से मैं सोचा, उन्होंने बोला था कल मेरे को कि आप जो है मतलब फ़ोन कर लेना मेरे को जब आप बोरीवली से निकल जाओ, तो बोरीवली से तो हम निकल गए, बट अब देखते हैं कि एक्चुअली वो कहाँ पे है। कोई ना, चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा घर। गाइस हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और घर पे भी आ गए थे, फ्रेश हो गए थे, अभी हम जा रहे हैं गार्डन, क्योंकि ना हमें थोड़ा शौक हुआ है घूमने फिरने का। हम 3 लोग हैं जो कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, और 2 भाई हमारे यहाँ पे, और एक मैं दानू भाई थे काम पे गए हुए, तो उनके साथ तो अभी पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो रात में मिलेंगे। अभी हम लोग जो है झूले में बैठे हुए हैं, और सामने की ओर आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है मेला दिख रहा है यहाँ से, और हमारे भाई दोनों के दोनों यहाँ पे बैठे हैं। मजा यार नेक्स्ट लेवल आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा मजा भी आ रहा है, दोनों साथ में हो रहा है, बट कोई ना चलते रहते हैं। और सामने की ओर आप चेकआउट कर सकते हैं यार किस तरीके का पूरा, और गाने वगैरह बज रहे, बट कोई ना उसको जो है था आप जो है थोड़ा बहुत इग्नोर मार देना, और बाकी आप जो है नीचे पब्लिक वगैरह देख सकते हो। और ये चला 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 आराम से कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट झूला झूल रहे हम लोग, और थोड़ी बहुत डर लग रही है, कोई ना चलते रहते हैं, लेकिन फीलिंग भी एकदम मस्त नेक्स्ट लेवल आ रही है, कोई ना मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वगैरह चेकआउट वगैरह कर सकते हैं यार, देखो ये हमारा झूला जो है इतना ऊपर, और ऊपर से देखो यार हमारे भाई जो है यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो गाइस हम जो है घूम फिर लिए, सब कुछ हो गया, टाइम देखो क्या हो रहा है, 7:15, और हम जा रहे हैं घर। कोई ना चलो चलते हैं घर, और मस्त आराम से रेस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है, तो चलो चलते हैं घर आराम से, चलो चलते हैं घर, क्योंकि ना यार थक चुके हैं, और हमें जो है जाना है आराम से मस्त घर, तो चलते हैं घर और मिलते हैं आपको सीधा घर पे, क्योंकि ना हमारे जो 2 भाई हैं उनको कुछ काम है, ठीक है, तो मैं उन लोग को जाने दे रहा हूँ, और मैं नीचे कंपाउंड में बैठूँगा, और उन लोग जाएंगे मतलब जो का नाकाम है वो काम निपटाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, तो मैं कंपाउंड में बैठा हूँ, फिर उसके बाद जो है उन लोग आएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा, है ना। तो कहना चलो उनका वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आते हैं, फिर जाते हैं घर। तो गाइस मैं उन लोग का वेट कर रहा था, लेकिन उन लोग तो अभी तक आए नहीं है, और आज का व्लॉग जो है बहुत लंबा हो चुका है। होप तो करते कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी मजेदार व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।